मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक स्टोरी नैरेट कर रही होती है, यानी हमें एक कहानी सुनाती है और वो कहानी होती है उसकी माँ से जुड़ी हुई। उसकी स्टोरी में जो पहला कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की है, उसका नाम फैना है। वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है। वो बहुत अच्छे तरीके से क्लास ले रही होती है, लेकिन तभी देखती है कि उसकी क्लास में एक ऐसा लड़का है, उसके पास कोई बुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारा का सारा लेक्चर नोट कर रहा है और वो बैठा भी अकेला हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा। इवन उसके पास उसका स्टूडेंट बैग भी नहीं होता और क्लास से जाने से पहले वो अपनी अटेंडेंस भी मार्क नहीं करवाता। अब हैना को ये बात काफी अजीब लगती है और उस लड़की से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आपकी अटेंडेंस मार्क्स नहीं होगी तो आपके ग्रेड्स पर बुरा असर पड़ेगा। तो वो लड़का आगे से हैना को कहता है, इस बात की किसको परवाह है, मैंने तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ टाइम पास के लिए लिया है, हो सकता है कि मैं कल से यूनिवर्सिटी भी ना आऊं। हैना उसे गेट तक फॉलो करती है। अब यहाँ पर ये लड़का चला जाता है। अब हमें हैना की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताया जाता है। हैना एक बहुत ही सीधी साधी और अच्छी लड़की है और साथ साथ वो जॉब भी कर रही है, यानी वो पढ़ भी रही है और जॉब भी कर रही है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उसी लड़की के बारे में सोच रही होती है। वो अपनी क्लास में बैठ के यही सोच रही होती है कि पता नहीं वो लड़का आज आएगा या नहीं, मुझे कल उससे उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना चाहिए था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम होती है कि वो लड़का क्लासरूम में आ जाता है। हैना को उसे देखकर थोड़ा अच्छा लगता है और आज वो दोनों एक ही साइड पर बैठते हैं और वो दोनों एक ही बुक से पढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद से इनमें काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो लड़का रोज यूनिवर्सिटी आता था, ये दोनों साथ बैठते थे, साथ पढ़ते थे, साथ लंच शेयर करते थे, यानी इनका काफी ज्यादा वक्त एक साथ गुजरने लगा था। अब इस लड़की को फील होने लगा था कि हैना मुझे पसंद करने लगी है, और बात भी ऐसी थी, हैना इस लड़के के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और अगर बात की जाए लड़के की तो ऐसे लगता था जैसे उसके दिल में कुछ छुपा हुआ है। वो हैना से कुछ शेयर करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। अब एक दिन ये लोग एक अजीब सी जगह पर जाते हैं, यानी जगह तो वो बहुत खूबसूरत होती है और वो एक टाइप का ब्रिज होता है, लेकिन वहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई और नहीं होता। और वहाँ पर जाकर उस लड़के को काफी अजीब फील होने लगता है। आज यहाँ पर वो इस इंटेंशन, इस नियत के साथ आएगा कि वो हैना को कुछ सच्चाई बताएगा जो हमें आगे जाकर पता चलने वाली है। पर जब वक्त आता है तो उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। पर इसी तरह एक दिन आ ही जाता है जब वो लड़का हैना को अपनी सच्चाई बताने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। हैना उससे पूछती है, आखिर तुम मुझे कहना क्या चाहते हो। अब वो लड़का यहाँ पे सच्चाई बताने के लिए बिल्कुल तैयार था, तो वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो एक वुल्फ था, एक ह्यूज वुल्फ। उसे देखकर डरने के बजाय हैना उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ। और इसके बाद वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यानी उस लड़की को लग रहा था कि मेरे इसलिए जानने के बाद हैना मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे वो लड़का हैना को बताता है कि बेशक हम वुल्फ हैं, लेकिन हम जानते हैं कि किस वक्त इंसान में ट्रांसफॉर्म होना है, और रही तुम्हारी बात तो तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। बेशक वुल्फ को ह्यूमन फ्लेश पसंद होता है, यानी इंसानों का गोश्त पसंद होता है, पर मुझे खुद पे बहुत कंट्रोल है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हैना एक्सपेक्ट कर रही होती है। हैना और वो लड़का एक अच्छा कपल बन चुके थे। इन दोनों की प्यारी सी क्यूट सी बेटी होती है और ये दोनों उसका नाम यूकी रखते हैं। जी हाँ, यूकी वही लड़की है जो हमें कहानी सुना रही है अपनी माँ के बारे में, यानी यूकी की माँ हैना। फिर हम देखते हैं कि कई साल गुजर जाते हैं। हैना और वो फुल्फ लड़का एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और फिर इनका बेटा भी होता है। पर एक दिन हैना को बैठे बिठाए खबर मिलती है कि उसका हस्बैंड यानी वो फुल्फ मारा गया है। वो शिकार कर रहा था और उसी दौरान वो जख्मी हुआ और वहीं पर मर गया। अब वहाँ पर क्लीनिंग सोसाइटी के लोग उसे लेने के लिए आए, पर हैना ने उसे रिक्वेस्ट की कि मेरे हस्बैंड को मुझे दे दो। उसने क्लियरली नहीं कहा, वो बस यही कहती रही कि मुझे ये वुल्फ दे दो। तो उन लोगों ने हैना को वुल्फ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हैना को धक्का देकर गिरा दिया। हैना यहाँ टूट सी गई थी, उसका प्यार, उसका शोहर यहाँ पर जा चुका था और अब उसे अकेले अपने दो मासूम बच्चों को पालना था। अब हैना क्योंकि एक नॉर्मल इंसान थी तो उसके लिए इन वुल्फ चिल्ड्रन को पालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो ऐसे कि जैसे इन बच्चों को गुस्सा आता है अपने बाप की तरह वुल्फ में कन्वर्ट हो जाते, और अभी क्योंकि ये छोटे थे तो इन्हें खुद पर कंट्रोल भी नहीं करना आता था,
और साथ ही साथ इन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी। अब हेना क्योंकि सिंगल मदर थी तो इनका खर्चा कैसे अफोर्ड करती, बस इसी के लिए वो काफी मेहनत कर रही थी। अब एक दिन हेना के घर कुछ लोग आते हैं। वो हेना से कहते हैं कि आपके बच्चों को अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगी, बेहतर होगा कि आप उनको लगवा लें। पर हेना उनको मना कर देती है और उन्हें जाने का कहती है, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसके बच्चे किसी भी वक्त वर्ल्ड में बदल जाएंगे और ये उसके लिए रिस्की काम है अगर बाहर के लोगों को पता चला। अब वो इस तरह से अपने बच्चों को छुपा छुपा कर तंग आ चुकी थी, तो वो डिसाइड करती है कि जहाँ वो रह रही है यानी टोक्यो, वो उसे छोड़ देगी और एक डिजर्टेड जगह पर चली जाएगी जहाँ आसपास ज्यादा लोग नहीं होते। जल्द ही ये लोग उस जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, पर जो घर ये लोग लेते हैं वो काफी पुराना और टूटा हुआ होता है, पर हेना साथ साथ उसे ठीक कर रही होती है। इसके दोनों बच्चे यूकी और उसका भाई काफी खुश होते हैं, क्योंकि ये लोग नेचर की तरफ आ गए थे और रूस को तो वैसे ही वाइल्ड नेचर काफी पसंद है। हेना ने यहाँ आकर भी मेहनत करना नहीं छोड़ी, वो हमेशा घर को रिपेयर करती रहती, अपने बच्चों को कभी ना भूखा रहने देती। उसके बाद वो सोचती है कि उसके पास इतना सारा लैंड है तो क्यों ना वो कुछ फील्ड्स उगाए, यानी कुछ सब्जियाँ या फ्रूट्स उगाए। इसके लिए वो बुक्स खरीदती है और उनको पढ़कर ये सारा कुछ सीख लेती है। सबसे पहले वो उगाने की कोशिश करती है गोभी को, पर उससे वो उग नहीं पाती तो वो काफी स्ट्रेस ले लेती है, क्योंकि जो भी फसल उगाने की वो कोशिश कर रही होती है वो नहीं उग पाती। अब इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। हेना रोज मेहनत किया करती थी पर उसे कोई भी फसल उग नहीं पा रही थी। अब एक दिन क्या होता है कि वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है। वो हेना को मेहनत करता हुआ देख के बहुत खुश होता है और अपने पुराने और ऑथेंटिक तरीकों से उसे फसल उगाना सिखाता है, जिसके बाद हेना काफी अच्छे तरीके से सीख जाती है। अब इस तरह गांव के और लोग भी उसे जानने लगे थे और उसकी मदद के लिए आते थे। अब गांव की औरतें भी हेना से मिलने आती थी। इन सब में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पर हेना इन सबको अपने बच्चों से नहीं मिलवाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये इनके सामने वुल्फ बन गए तो उसके लिए मसला होगा। पर वो ये जरूर बताती है कि उसके बच्चे हैं और वो कभी कभी नजर भी आ जाते हैं। तो गाँव की वो औरतें हेना से कहने लगती हैं, यार तुम किस दौर में रह रही हो, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगी नहीं क्या, इनको स्कूल में डालो, तुम्हारे पास भी कोई फ्री टाइम बचेगा। वो हेना उनसे तो मना कर देती है ये कहते हुए कि मैं उनको अच्छी तरबियत दे रही हूँ, पर ये बात यूकी सुन लेती है और रात में अपनी मामा से गुस्से से बात करती है। वो फिर से वुल्फ चाइल्ड में तब्दील हो जाती है, यानी वुल्फ चाइल्ड बन जाती है। वो कहती है कि मामा मुझे स्कूल जाना है, आप हमें बाहर ही नहीं निकलने देती। पहले तो हेना नहीं मान रही होती, लेकिन अपनी बेटी की जिद देख के कहती है, ठीक है यूकी, मैं तुम्हें एक शर्त पे स्कूल जाने दूंगी कि कभी तुम वहाँ गुस्से में नहीं आओगी और ना ही वुल्फ चाइल्ड बनोगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हेना और बाकी लोगों की मेहनत रंग ले आती है। हेना की उगाई गई फसल उगने लग जाती है और जो पहली फसल उगती है वो पोटैटोस यानी आलू होते हैं। अब ये आलू वो बाकी लोगों को देकर इसके बदले और अनाज लिया करती थी, यानी और खाने पीने की चीजें जैसे चावल, आटा और इस तरह की जरूरत की चीजें। और क्या आप लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में भी ऐसे ही हुआ करता था, जो चीज आपके पास होती थी वो आप दूसरों को देते थे और जो चीज दूसरों के पास होती थी वो आपको देते थे। अब इसी तरह से इनकी रोजी चलने लग जाती है और फिर कुछ ही महीनों में विंटर सीजन आ जाता है, काफी तेज बर्फबारी होती है। फिर हम देखते हैं कि हेना ने अपनी बेटी यूकी का स्कूल में एडमिशन करवा दिया होता है और अगली सुबह उसका स्कूल में फर्स्ट डे होता है। वो काफी एक्साइटेड होती है और स्कूल के लिए निकल पड़ती है। अब स्कूल में जाकर वो टीचर की भी हर बात का अच्छे से जवाब दे रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी लायक और अच्छी स्टूडेंट बनेगी। अब उधर हेना अपने बेटे के साथ अकेली होती है तो उसे एक फॉरेस्ट में ले आती है जहाँ पर वो लोग एक वुल्फ को देखते हैं। हेना उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो ह्यूमन वुल्फ नहीं होता बल्कि एक नॉर्मल वुल्फ होता है तो कुछ भी नहीं बोलता। अब हेना के बेटे को ये वुल्फ बहुत पसंद आता है और वो अपनी माँ के साथ अक्सर यहाँ पे आता था। अब उधर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर यूकी से सब लोग डर रहे होते हैं क्योंकि उसके चॉइसेस, उसके इंटरेस्ट बाकी सब बच्चों से अलग होते हैं। पर कुछ ही दिन बाद उस स्कूल में एक लड़का आता है। वो अकेला ऐसा लड़का होता है जो यूकी को पसंद करने लगा था और उससे बात करना चाहता था, पर यूकी उसे घबराती थी, उसे लगता था कि ये भी बाकी इंसानों जैसा है। अब एक दिन जब वो लड़का यूकी से बात करने आता है तो यूकी को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ वुल्फ के हाथों में कन्वर्ट हो जाते हैं और बड़े बड़े पंजे निकल आते हैं और वो उस लड़के के कान पर वार करती है जिसकी वजह से उसका कान काफी जख्मी हो जाता है और खून आने लगता है। अब ये बात प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच जाती है लेकिन जब वहाँ पर इंटरोगेशन होती है यानी यूकी के क्लासमेट से पूछा जाता है कि क्या हुआ तो वो बताता है कि आप गलत समझ रहे हैं कि मुझे यूकी ने कुछ कहा है।
बल्कि हम जिस जगह पर थे वहाँ पर एक वुल्फ आ गया था और उसने मुझ पर अटैक किया। यूकी ने तो कुछ भी नहीं किया। अब ये बात यूकी के दिल पर लगती है कि इसने सब कुछ जानते हुए भी मेरा साथ दिया है और मुझे प्रोटेक्ट किया है, तो इस बात की वजह से उस पर ट्रस्ट करने लगती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। उधर दूसरी तरफ हमें एमी दिखाया जाता है, यानी यूकी का भाई। वो फॉरेस्ट में होता है तो उसकी माँ भी वहाँ पर आती है और कहती है मेरा बेटा फॉरेस्ट में क्या करता रहता है। तो वो उन्हें वुल्फ से मिलवाता है। वो बताता है कि मैं यहाँ फॉरेस्ट पर आकर इनसे काफी बातें करता हूँ और इनसे काफी कुछ सीखता हूँ। ना उन वुल्फ को थैंक्स कहती है। अब इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। एक रोज हम देखते हैं कि यूकी स्कूल जा रही होती है तो उसका भाई उससे कहता है पहना और स्कूल मत जाना, आज तूफान आने वाला है। पर यूकी उसकी बात नहीं सुनती। यूकी के भाई ने उसे बिल्कुल ठीक बताया था क्योंकि वो काफी जानवरों और वुल्फ्स के साथ रहता था और अब सब तो जानते हैं कि जानवरों को पहले ही पता चल जाता है कि कोई तूफान आने वाला है। अब यूकी स्कूल तो पहुंच चुकी थी लेकिन जैसे उसके भाई ने कहा था वैसा ही तूफान आ जाता है। सब बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। अब उधर हैना भी अपने बेटे से कहती है कि आओ फौरन से यूकी को लेने चलें। पर हैना का बेटा उनसे पहले ही फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है क्योंकि वो अपना ज्यादातर टाइम ही फॉरेस्ट में गुजारता था और हैना को अपनी बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसे काफी आवाजें देती हैं लेकिन वो काफी आगे जा चुका होता है। अब उधर हम स्कूल का सीन देखते हैं कि यूकी और उसका वही दोस्त है और बाकी सब स्टूडेंट्स जा चुके हैं। काफी बारिश और तूफान आ रहा होता है। अब यहाँ पर यूकी अपने असली रूप में आ जाती है। वो लड़का उसे देख के बिल्कुल भी नहीं डरता। वो लड़का उसे कहता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि तुम एक वुल्फ चाइल्ड हो, पर मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की और मैं इसमें सक्सेसफुल रहा। उधर हम हैना को देखते हैं जो अपने बेटे को आवाज देते देते वहीं पर बारिश में बेहोश हो जाती है। उन्हें एक ख्वाब आता है जिसमें उनके हस्बैंड यानी वही वुल्फ आता है। वो अपनी बीवी से कह रहे होते हैं, हैना आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे फख्र है कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया। तुम हमारे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर रही हो जितनी कोई और लेडी नहीं कर सकती थी। अब हैना ख्वाब में भी अपने बेटे के लिए काफी परेशान होती है कि वो उसकी नहीं सुनता और नेचर यानी जंगल में निकल जाता है। तो इस बात के लिए भी वो वुल्फ यानी हैना के हस्बैंड उसको तसल्ली देते हैं कि वो मेरा बेटा है, वो एक वुल्फ है तो कैसे नहीं वाइल्ड में जाएगा, वो जो कर रहे ठीक कह रहे, आप उसके लिए परेशान नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि हैना का बेटा उसके पास आता है और अपनी बेहोश माँ को अपने ऊपर उठाकर एक सेफ प्लेस पर लेकर आता है और इसके बाद वो सामने एक पहाड़ की चोटी पर जाकर शोर से कुर्राता है यानी वुल्फ्स की तरह हाउल करता है। उसकी माँ हैना जब ये देखती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने शोहर वुल्फ को याद करते हुए कहती है कि मेरा बेटा तो अपने बाप पे गया है, मैं ऐसे ही सिर उठ रही थी, ये तो एक वुल्फ है, मेरा वुल्फ चाइल्ड। फिर हम देखते हैं कि यूकी हायर स्टडीज लेने के लिए बाहर के मुल्क चली जाती है और उधर हैना और उसका बेटा एक साथ रहते थे लेकिन अब हैना का बेटा काफी बड़ा हो चुका था तो अपना ज्यादातर टाइम जंगल में ही गुजारता था और वहीं पर हाउल करता रहता था। हैना घर में अकेली अपने हस्बैंड के ड्राइविंग लाइसेंस पर बनी हुई पिक्चर को देखती रहती थी। वो अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती थी पर वो जानती थी कि उनकी सोल यहीं कहीं है। उनकी दुआएं और उनकी यादें हमेशा इसके साथ हैं और अब तो वो अपने बेटे को भरता हुआ भी देख रही थी और उसे पता था कि ये भी अपने बाप की तरह बनेगा और हर बार उसके हाउल करने पे वो बहुत खुश होती थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।